तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिक्सवी और बिक्सवी बैकअप के नए अपडेट के बारे में, और नए अपडेट के साथ क्या नए फीचर एड ऑन किए गए हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैग में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बिक्सवी के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में जाने के आपको अपडेट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो वहां पर आप देखेंगे बिक्सवी और बिक्सवी बैकअप में, दोनों में ये नए अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे। जैसे कि पहले ये बिक्सवी और नीचे की तरफ आएंगे तो बिक्सवी बैकअप में भी अपडेट, दोनों में साथ में ही, या बोल सकते हैं दोनों में पैरेलल ही अपडेट्स आते हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ के ही चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले जाऊँ आपको बिक्सवी पे। तो यहाँ पर अगर आप देखें बिक्सवी में क्या नए चेंजेस किए गए और क्या चीज़ क्या क्या हुआ है, सबसे पहले आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे बिक्सवी का जो वर्जन है 3.3.25.12 इसको रोल आउट किया गया है 19 जुलाई को, और इसका साइज है 65.91 MB का। दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपडेट्स वाली में, कि जो अपडेट्स के जो रोल आउट है ये मेरे पास कल के दिन आया और ये 19 तारीख को रोल आउट हुआ। मतलब कि सबसे पहले प्रीमियम फोन्स में आते हैं, फिर मिड रेंज फोन में, फिर उसके नीचे वाले, ऐसे करके ये अपडेट रोल आउट होता है। ऐसा नहीं कि जब लॉन्च हुआ तो सबको अपडेट हो जाए, धीरे धीरे करके सबको रोल आउट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए अपडेट्स में क्या नए चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर चेंजेस किया गया, चेंज द पोजीशन ऑफ बिक्सवी व्यू इन टैबलेट एंड फोल्ड डिवाइसेस। अगर आपके पास टैबलेट या फोल्ड डिवाइसेस है तो उसका बिक्सवी का जो व्यू है वहाँ पर चेंज आउट कर दिया गया है, थोड़ा बहुत पोजीशन में वहाँ पर चेंजेस किया गया। जैसे लिखा भी हुआ है, इन टैबलेट जेट फोल्ड डिवाइसेस द पोजीशन ऑफ बिक्सवी विल बी चेंज टू बॉटम राइट साइड एज विंडो डेस्क। तो बॉटम राइट की जगह उसको विंडो डेस्क पे वहाँ पर चेंज आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो अब फीचर है जो नॉर्मल यूजर के लिए, वो ये है इम्प्रूव वेकअप परफॉर्मेंस एंड ASR रिकॉग्निशन एरर, तो प्लीज़ एक्सपीरियंस इट। तो मतलब कि इसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिया गया है ताकि और अच्छे से एफिशिएंसी से काम कर सके, और साथ में एडिशनल फंक्शन इंप्रूवमेंट्स एंड बग फिक्स किए गए। तो चलिए पहले अपडेट्स करने से पहले एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं, फिर अपडेट के बाद देखते हैं। है बिक्सवी, तो आप देख रहे हैं ये अभी भी है बिक्सवी बोला तो अच्छे से फिर भी चल रहा है, और अपडेट होने के बाद देखेंगे उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस है। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। अपडेट करने के बाद जब तक ये अपडेट होता है जब तक मैं आपको ले जा रहा हूँ वेकअप पे। अब यहाँ पर वेकअप पे आएंगे, वेकअप पे आने के देखेंगे तो इसको भी देखेंगे सेम डेट में रोल आउट किया गया 19 जुलाई को ही, इसका वर्जन नंबर है 2.3.25.14 और इसका साइज़ है 52.10 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में नया चेंजेस क्या किया गया है। इस अपडेट में क्या लिखा है, इट्स वर्स अपडेटेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एरर्स वर्स फिक्स टू एनहांस स्टेबिलिटी। तो इसमें बग फिक्सेस किए गए और इसको अपडेट्स को इम्प्रूव किया गया ताकि अच्छे से इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो चुके। तो इसको भी कर लेते हैं अपडेट, उसके बाद दोनों को बैकअप दोनों को साथ में अपडेट करने के बाद यूज़ करके देखेंगे। जैसा कि वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि उस अपडेट में सिर्फ उसका परफॉर्मेंस को ही इंक्रीज़ की गई, या फिर बोल सकते हैं उस अपडेट में सिर्फ उसका बैकअप की जो परफॉर्मेंस है और वही इंक्रीज़ की गई है, और साथ में उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ की गई। मतलब कि अगर आप उसको चला रहे हैं तो उसकी चलाने का अच्छा ड्यूरेशन भी अच्छे से चला देगी, ताकि स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव की गई है। एनी अदर नया फीचर एड ऑन नहीं किया। अगर आप फोल्ड डिवाइस पे है या टैबलेट पे है तो आपको वहाँ पर एक नया फीचर मिलेगा, या बोल सकते हैं नया वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर उसकी पोजीशन को यहाँ पर चेंज आउट कर दिया गया, जैसा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इम्प्रूव वेकअप परफॉर्मेंस एंड ASR रिकॉग्निशन। अब ये मेरा हो चुका है, अपडेट्स हो गया, दोनों मेरे यहाँ पर अपडेट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको यूज़ करके देखते हैं बिक्सवी। तो आप देख रहे हैं ये वर्किंग पे चल रहा है। अब इसमें देखते हैं कि इसकी सेटिंग में आपको और क्या क्या चीज़ मिलती है, जैसे कि हाई बिक्सवी का ऑप्शन दिया गया है, टीच बिक्सवी टू रिकॉग्नाइज। तो मैंने यहाँ पर इसकी, जैसे कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सही साइड नहीं चल रही, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या है अपडेट, जैसे आपकी बैकअप या आपका जो आपकी वॉइस है सही से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आपको उसको अपडेट करने के बाद उसको ओपन करना है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास नहीं चल रहा तो आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ जाना है आपको थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पर आपको जाना है बिक्सवी वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आना है रिस्पॉन्स टू माई वॉइस पे, वहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर वेकअप को सेंसिटिविटी को यहाँ पर हाई पे कर देना है ताकि और अच्छे से इम्प्रूव करके काम करे। इम्प्रूव वॉइस एक्यूरेसी के लिए आपको अपनी आवाज़ को एक बार और अच्छे से एक्यूरेट कर लेना है, और उसको फिर आप यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करने की स्पीड में पहले से फ़र्क आएगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया, लैंग्वेज और वॉइस स्टाइल आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, फीडबैक चेंज करना चाहें वो चेंज आउट कर सकते हैं, अदर वॉइस फीचर दिए, प्रेफर्ड सर्विसेज दिए, जो भी सर्विसेज होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन यहाँ पर अगर आप उसको लॉक स्क्रीन पर नहीं चाहते तो आप उसको यहाँ पर बंद कर सकते हैं, नोटिफिकेशन एक्सेस नहीं चाहते वो बंद कर सकते हैं, और जो भी कुछ बिक्सवी के ऑफर्स आते हैं वो बंद कर सकते हैं, डिवाइसेस, पर्सनल कस्टमाइजेशन, और यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे तो कौन कौन सी ऐप इसको यूज़ कर रही है वो दिख जाएगा। मतलब ओवरऑल इसमें कुछ नया चेंजेस नहीं आया, बस बैकअप का ही ऑप्शन यहाँ पर चेंज हुआ। अब अपडेट के बाद चेक करते हैं। हे बिक्सवी, थोड़ी सी स्पीड में एक्यूरेसी मुझे अब लगी, जैसे कि आप देखेंगे हे बिक्सवी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है इस बार, बिकॉज पहले थोड़ा टाइम ले रहा था, अब इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है। बिक्सवी सेट अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइमर यहां पर लग चुका है, और भी आप अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। बिक्सवी साइलेंट माय फोन, मेरे मोबाइल को पूरी तरह से साइलेंट कर दिया, और भी आप जो भी चाहे करवाना चाहें आप हे बिक्सवी बोल के उसको करवा सकते हैं। हे बिक्सवी ओपन सेटिंग, हे बिक्सवी क्लोज ऑल एप्स, क्लोज ऑल बैकग्राउंड एप्स, हे बिक्सवी क्लोज ऑल माय बैकग्राउंड एप्स, आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। सब चीजें आप यहाँ पर फंक्शन का यूज करेंगे, और अभी बढ़ने के बाद मेरे को लगता है कि मतलब अपडेट होने के बाद इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक इम्प्रूव की गई है, और वेकअप बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। और अगर आप प्रीमियम डिवाइस में होंगे तो वहाँ पर आपको एक एडवांस सेटिंग भी ऑप्शन मिल रही होगी, जिससे आप हे बिक्सवी की जगह सिर्फ बिक्सवी बोलेंगे तो भी वो वर्क करने लग जाएगा। फिलहाल नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है वो फीचर। यही नए अपडेट्स आप बिक्सवी की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि भैया आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। और रियल में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।